हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं। जैसे होता है क्या कि किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो वो एडिट करके सुधार करना चाहता है, या फिर हो सके वो डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, तो आप कैसे उसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जहाँ भी फाइल हो उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, मैं इसको कंट्रोल प्लस की सहायता से मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि पूरा क्लियर दिखाई दे इसमें। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे इसमें नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम जो है अंकित कुमार है, तो मैं यहाँ पे कुछ और नाम देना चाहता हूँ, तो मैं वो कैसे दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो साइज़ है, साइज़ मैटर करता है और आपका कलर वो सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला टूल ले लीजिएगा यहाँ पे, जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। इसका शॉर्टकट है M से, आप इसका शॉर्टकट से उपयोग भी करके आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना दूर को आपको चेंज करना है उतना दूर अलग का, जहाँ पे सेम लगे कि हाँ इसका बैकग्राउंड सेम है तो वहाँ का आप ले सकते हैं, तो उतना दूर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अंकित है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा दूर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको मूव टूल का उपयोग करके इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मूव टूल, उसके बाद आप मूव टूल पर क्लिक कीजिएगा, इसका शॉर्टकट है भी, तो आप भी प्रेस करके आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मूव टूल पे प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद अल्ट की सहायता से अल्ट और माउस का लेफ्ट एरो लेफ्ट क्लिक करके आप इसे वहाँ पे उठा के और यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और ये आपका डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो सिंपली एरो पे क्लिक कीजिए, उसके बाद टेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सुमित लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सुमित जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो मैं इसको एडजस्ट कर दे। सबसे पहले आपको मूव टूल पे क्लिक कर लेना है, तो ये लेयर पकड़ा जाएगा, तो ये लेयर को आपको अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की मदद से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एडजस्ट हो गया है। एडजस्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसको 58 को मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, तो आप रेक्टेंगल टूल का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका उठा के किधर भी रखना चाहते हैं तो आप उसके पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 58 जो है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों को एक ही बार में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करके आपको बता दे रहा हूँ। तो 58 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली मूव टूल का उपयोग करके या तो भी प्रेस कर दीजिए और उसके बाद अल्ट की सहायता से आप अल्ट और माउस की सहायता से आप उठा के आप जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इसको लास्ट में रख देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा फिट हुआ। उसके बाद आप कंट्रोल डी प्रेस करके इसे डिलीट कर दीजिए। अब इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे, कि जहाँ पता तो नहीं चल रहा है कि मैंने कहीं एडिट भी किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ हल्का हल्का पता चला है। तो वो कैसे करेंगे, तो आप ये वाला टूल का उपयोग कर सकते हैं, क्लोन स्टाम्प का टूल है, इसका उपयोग करके आप इसे मिटा सकते हैं। तो जहाँ भी आपका लगे कि यह हाँ ऐसा ही बैकग्राउंड है, तो वहाँ पर अल्ट की सहायता से आप अल्ट के सहायता से वहाँ का बैकग्राउंड कॉपी कर सकते हैं, और जहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे पता चला वहाँ पे क्लिक कर करके आप उसे मिटा सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा, जितना दूर आप क्लिक कीजिएगा उतना ही दूर आपका चेंज होगा। तो अच्छे से आपका जहाँ जहाँ पता चल रहा है वहाँ वहाँ आप इसे मिटा सकते हैं, ताकि देखने वाले को थोड़ा भी शक ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना हो जाने के बाद आप इसको हटा दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा भी पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ। थोड़ा सा नीचे करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कशीट नंबर है, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोई भी अंक आप एडिट करना चाहते हैं, आपका जो भी मन करे वो एडिट कर सकते हैं, जो भी जितना भी उठा के मन करे। तो रेक्टेंगल टूल वही वाला ले लीजिएगा, उसके बाद आपको जो भी अंक लेना है वो आपको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक ही अंक लेता हूँ, फर्स्ट वाला A1 ले लेता हूँ। उसके बाद मैं मूव टूल का उपयोग करके और अल्ट और माउस की सहायता से मैं इसे उठा करके कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ,
रखने के बाद आपको सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करना है और ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट हो। इसके बाद आप अगर इसमें कुछ और भी एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप वही स्टेप को फॉलो करके आप वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नाम चेंज करना है तो नाम का मैंने जो बताया शुरू में वो आप स्टेप फॉलो करके आप नाम चेंज कर सकते हैं, या कोई भी अंक चेंज करना हो तो आप ऊपर मैंने बता दिया है वही स्टेप फॉलो करना है आपको और उसे चेंज कर लेना है, ठीक है, जिसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ एडिट हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे है, नीचे भी आप जैसे बैकग्राउंड ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी एडिट कीजिएगा वो बैकग्राउंड भी सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोटो एडिट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फ़ोटो ले लेते हैं, जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं, तो ये फ़ोटो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके फ़ोटोशॉप में पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप मार्कशीट में जो है वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसे ब्लैक एंड वाइट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस कीजिएगा ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। उसके बाद आप मूव टूल की सहायता से आप इसे उठा करके और मार्कशीट वाले पे ले जाएंगे और यहाँ पे आप जहाँ भी फ़ोटो है वहाँ पे इसको पकड़ के ले जाइए और उसके बाद इसे एडजस्ट कर लीजिए। पीछे वाला देखते रहना है कि बैकग्राउंड का जो फ़ोटो है वो थोड़ा भी दिखाई ना दे, जिसे देखने वालों को थोड़ा भी पता ना चले कि जब बैकग्राउंड में भी कोई फ़ोटो है। उसके बाद पूरा एडजस्ट होने के बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए और डिलीट कंट्रोल डी का प्रेस करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई स्टेप समझ में ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।